गुड मॉर्निंग इलेवन साइंस, हम लोग केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में परसेंटेज कंपोजिशन तक बात कर चुके हैं बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने न्यूमेरिकल्स किए होंगे और आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे केमिकल फॉर्मूलेज की। तो केमिकल फॉर्मूले जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले टाइप का जो फॉर्मूला होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, जबकि दूसरे टाइप का जो फॉर्मूला होता है वो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है। हालांकि अभी तक आप लोगों ने 9th और 10th तक आप लोगों ने पढ़ा है कि केमिकल फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला को ही आप केमिकल फॉर्मूला कहते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अभी सबसे पहले सब जानें कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी कंपाउंड में जो वेरियस एलिमेंट्स हैं उनका जो रेशियो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है। जबकि अगर मैं मॉलिकुलर फॉर्मूला की बात करूँगी तो मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है वो किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं उनका एग्जैक्ट नंबर बताता है कि कितने जो है एग्जैक्ट नंबर में किस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला का एग्जांपल दूंगी। हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम्स होंगे, 12 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और 6 जो है वो ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज की, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। दैट मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसका कि रेशियो अगर हम लोग बात करेंगे तो 6, 12 और 6 है। अगर हम इसके सिंपलेस्ट रेशियो की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 2 और 1। तो दैट मीन्स एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज जो है वो CH2O है। इसका मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो तीनों ही किस रेशियो में है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट रोल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट करता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, जबकि मॉलिकुलर फॉर्मूला से आपको ये पता चलता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कितने हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। हम अगर यहाँ पर बात करें तो आप लोगों को लग रहा होगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है किसी भी कंपाउंड का हमेशा डिफरेंट होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है। इसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे। यहाँ पर आपको कहा गया है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम लोग बात करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, वो भी H2O ही होता है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अब मैं फॉर्मूलेज की बात करूँगी। जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स होता है। इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, मैं यहाँ पर एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ आपको। कि आपने कहा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज जो है वो CH2O है। अगर मैं यहाँ पर इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर जो है आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा। इसका मतलब कि एम्पिरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स क्या होता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ से n इज इक्वल टू मॉलिकुलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि n इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास लिख सकते हैं, किस तरीके से, ध्यान से समझेंगे। इसी एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगी मैं कि अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 180, ठीक है। आप लोगों को पहले मैं निकाल के बता चुकी हूँ और अब इसलिए मैंने डायरेक्टली यूज़ किया है क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मोलर मास आपको समय के साथ याद हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 12 + 2 + 16, देखिए बेटा फटाफट से, 12 + 18 कितना आ जाएगा, 30। तो 30 है और ऑब्वियसली बात है, हमने आपसे कहा था कि हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 का ही तो मल्टीप्लाई करना है। तो आपको किसका मास आ जाएगा, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मेरे ख्याल से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 16 पर है आपकी NCERT में, पुरानी बुक में है ये। तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। आपको कहा गया है कि एक कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर के बनता है, जिसमें कि आपको कार्बन का परसेंटेज 24.27, हाइड्रोजन का 4.07 और क्लोरीन का जो परसेंटेज है वो 71.65% आपको दे रखा है। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको इस कंपाउंड का मोलर मास दे रखा है। आप लोगों से कहा गया है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए और मॉलिकुलर फॉर्मूला बताइए, ठीक है। तो बेटा एक तो हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में करेंगे। तो देखिए मैंने इसको ऐसे जो है आमने सामने पेज पर किया है। अगर आप आमने सामने ना करें तो फिर आप कॉपी को लिटा करके कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग रजिस्टर यूज़ करेंगे या फिर बड़ी कॉपी यूज़ करते हैं। मेरे पास अभी लॉकडाउन की वजह से कॉपी छोटी है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से यूज़ किया है। तो आप कोशिश करें ऐसे हो, बट ऐसे ना हो आधी टेबल यहाँ हो और आधी टेबल आगे वाले पेज पर हो, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं,
सबसे पहले हम लोग एलिमेंट की बात करेंगे, इसके बाद आपको उस एलिमेंट की एग्जैक्ट परसेंटेज उसी के सामने ही नोट करनी है। बच्चे अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं कि मान लीजिए कि आपको कार्बन और हाइड्रोजन क्लोरीन दे रखी है, कार्बन की परसेंटेज को आप हाइड्रोजन के आगे, हाइड्रोजन की परसेंटेज क्लोरीन के आगे, तो पूरा जो क्वेश्चन है वो गड़बड़ कर जाएगा। अब आपको परसेंटेज जो दे रखी है इसको आप वैल्यूज इन ग्राम्स मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ये माने कि जो पूरा जो कंपाउंड है उसका वेट अगर टोटल वेट 100 है तो उसमें आप 100 ग्राम के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको वैल्यूज को जो है वो ग्राम्स में भी मान सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मास की, तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 एंड क्लोरीन का 35.5। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग जानते हैं कि वेट अपॉन एटॉमिक मास होता है, तो आपने वेट अपॉन एटॉमिक मास किया है, ठीक है। आपने वेट अपॉन एटॉमिक मास जब किया तो आप लोगों ने उसका डिवाइड करके आप लोगों के पास में वैल्यू जो है वो आ गई है। देन इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालते हैं, और सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि जो भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आए हैं उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू जो निकल के आई है उस वैल्यू का डिवाइड आप बाकी सब में दे देते हैं, ठीक है। इससे आपके पास सिंपलेस्ट मोलर मास निकल के आ जाता है। और जब यहाँ पर ऐसा होगा तो या तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ में आ जानी चाहिए, और अगर एग्जैक्ट वैल्यूज़ में नहीं आती हैं, पॉइंट के बाद कुछ चीज़ आ रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 2.0 समथिंग आ रहा होगा, तो 2.0 समथिंग को आप 2 कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 2.4 है, 2.7 है, तो आप उसको इस तरीके से मतलब सिंपल 2 में कंसीडर नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फिलहाल हम लोग अगर देखें तो देखिए बेटा, कार्बन के लिए आपके पास वैल्यू 1 आ रही है, हाइड्रोजन के लिए आपके पास जो वैल्यू है वो 2 आ रही है, जबकि क्लोरीन के लिए आपके पास जो वैल्यू है वो 1 आ रही है। तो जो इंपिरिकल फॉर्मूला निकल के आएगा वो आपके पास CH2Cl निकल के आएगा, ठीक है। अभी कैसे निकल के आया मैं वापस से बता रही हूँ। कार्बन के लिए 1, तो आपने कार्बन में 1, हाइड्रोजन में 2, 2, Cl में 1, तो Cl में 1। अब हम लोग बात करेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला मास की, तो देखेंगे 12 × 1, 2 × 1 प्लस 1 × 35.5। आपने जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो है वो कैलकुलेट कर लिया, जैसे आप लोग सिंपली जो है मोलर मास या मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि n इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास होता है, जबकि आपके पास में मोलर मास की वैल्यू जो है वो गिवन थी, क्वेश्चन में आप लोगों को ऊपर पहले ही दे रखा था कि मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 98.96, तो आपने उस चीज़ को यहाँ पर उठा करके रखा, अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपने कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू लगभग 2 आ रही है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में मान सकते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 में मान सकते हैं बेटा, लेकिन आप बिल्कुल ही जैसे 1.5 को आप 1 या 2 लिख देंगे तो यहाँ पर ये चीज़ जो है केमिस्ट्री अलाउ नहीं करेगी, लेकिन अगर 1.99 है या 2.00 है या 2.001 है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप उसको हल्का सा अप्रोक्सीमेशन में ले सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग जानते हैं कि जब आपने n की वैल्यू निकाल ली तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का n टाइम्स। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आया था बेटा, CH2Cl निकल के आया था, CH2Cl का n टाइम्स मीन्स ट्वाइस, तो C2H4 और Cl2। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन कंपाउंड का। अब फटाफट से हम लोग एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास पेज छोटा पड़ रहा है तो आप लोग किस तरीके से करेंगे, फिलहाल देखेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड आपको निकालना है, जहाँ पर आपको मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आपको दे रखा है, इसके अलावा आपको मोलर मास दे रखा है, और आपसे कहा गया है कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्विकली बताऊँगी, एलिमेंट्स परसेंटेज गिवन जो आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास हो गया, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है इसको हम लोग वैल्यू इन ग्राम कह सकते हैं, तो दैट मीन्स वेट हो गया, ये मास हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, वेट अपॉन एटॉमिक मास आप कह सकते हैं। और जब आपने ऐसा किया तो आप यहाँ से हो गया, देन आप लोग क्या करते हैं, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, दैट मीन्स इसमें से सबसे छोटा डिजिट जो है वो सिलेक्ट कीजिए और उसका डिवाइड जो है सब में कर दीजिए। अब मैंने आपको यहाँ पर पीछे वाले पेज पर आपको बेटा बताया था कि अगर ये पॉइंट में आए तो आपको क्या करना है, तो अगर ये पॉइंट में आए, जैसा कि हमारे यहाँ पर ये 1.5 आ रहा है, तो हम लोग इसको 2 नहीं मानेंगे, हम लोग इसमें जो है किसी ऐसे डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि इसको हम लोग जो है एक होल नंबर में कन्वर्ट कर सकें। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3.0। तो
अब क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया है इसलिए मुझे ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस तरीके से। लेकिन ऐसा ना हो कि आपने इसको तो पूरे में पूरा करना है और इसको आप पॉइंट में कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस तरीके से करना है कि जो डिजिट्स हैं आपके पास होल नंबर रेशियो में आनी चाहिए, ठीक है। और अब कुछ लोगों का मन कर सकता है कि नहीं मैम हम तो 4 करेंगे, तो आपको छोटी से छोटी ऐसे डिजिट ढूंढनी है जिससे कि आप इसको होल नंबर में कर सकें। ऐसा तो आप और भी डिजिट्स हैं जिससे कि आप इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर पाएँ, पर छोटी से छोटी। अब आपके पास में ये क्या चीज़ चल रही है, एफ ई का आपके पास में आंसर आया 2, ठीक है, और ओ का आपके पास में आया 3, तो आपके पास हो गया एफ ई 2 O 3, ठीक है। अब आप इन्फेरिकल फॉर्मूला मास आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप लोगों को पता है कि एन इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन इन्फेरिकल फॉर्मूला मास। आपने एन की वैल्यू कैलकुलेट की और उस एन की वैल्यू से आपने इन्फेरिकल फॉर्मूला भी उस एन की वैल्यू और इन्फेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से आप लोगों ने मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन में पाया कि मॉलिकुलर फॉर्मूला और इन्फेरिकल फॉर्मूला सेम है, जबकि आपने पिछले वाले क्वेश्चन में पाया था कि ये सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो क्विक रिवीजन के तौर पर मैं आप लोगों को बस हल्का सा बता देती हूँ कि जो इन्फेरिकल फॉर्मूला का एन टाइम्स होता है मॉलिकुलर फॉर्मूला, एन निकालने के लिए आप मॉलिकुलर फॉर्मूला अपॉन इन्फेरिकल फॉर्मूला भी कर सकते हैं, या फिर एन निकालने के लिए आप मोलर मास अपॉन इन्फेरिकल फॉर्मूला मास भी कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा एक और फॉर्मूला जो है, अगर आप चाहें तो आप अपने लिए नोट करके रख लीजिए कि मोलर मास निकालने के लिए ये होता है 2 × वेपर डेंसिटी। हालांकि इस टाइप का इस फॉर्मूले पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन या फिर ये फॉर्मूला जो है एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने आप लोगों को डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पूरा ढंग से समझ में आया होगा। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कीजिए और जहाँ पर दिक्कत हो वो पूछ लीजिए। थैंक यू।